स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम सर नेगी ने किन्नौर जिला के कल्पा पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान दिया। इससे पहले मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत 103 वर्षीय श्याम शरण नेगी का लाल कारपेट बिछाकर किन्नौर प्रशासन ने मतदान केंद्र के बाहर स्वागत किया। श्याम शरण नेगी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को मतदान में हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अच्छे व ईमानदार प्रतिनिधि चुनने का ये सुअवसर है, इसलिए मतदान जरूरी है। कई सालों के गुलामी के बाद आज हम यहाँ 1947 से आजाद हिंद हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, तो आज इतनी खुशी की बात है कि हम अपने गुलामी को छोड़ करके देश को देश के हित के लिए चुनाव करा रहे हैं या कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। और ये दिन फिर दोबारा कब आएगा। इस दौरान उपायुक्त किन्नौर हेमराज बेरवा ने भी कहा कि इस उम्र में श्याम शरण नेगी का मतदान करना युवा मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और कल्पा में हमारे श्याम शरण नेगी जी, जो देश के प्रथम मतदाता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर वोट किया। और सबसे देखने वाली बात ये रही कि वो खुद इतने उम्र दराज होने के बावजूद वो खुद पैदल चलकर आए और अपना वोट कास्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि आगे जो हमारी युवा पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं, सबको इस संदेश को बड़े अच्छे से समझना चाहिए कि लोकतंत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए मतदान की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, और सबको इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हमें भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद होने का मौका मिला।